सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे क्यों मनाया जाता है और इसका क्या इतिहास है? जी, ये यूनाइटेड नेशन का एक संस्थान है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ग्लोबल शिपिंग को मैनेज करता है। तो वो ये शिपिंग के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए ये एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है। और इस बार का जो हमारा थीम है, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लोगों को जानना चाहिए कि शिपिंग जो है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 90 से 95% जो हमारा ग्लोबल ट्रेड होता है शिपिंग के माध्यम से होता है, और जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स है वो इसके साथ बहुत ही टाइटली जुड़ा हुआ है। तो ये वर्ल्ड शिपिंग के ऊपर हमारा फोकस होना बहुत जरूरी है और इसको सस्टेनेबल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सस्टेनेबल का अर्थ है कि जो इसका जो पर्यावरण पे जो क्षति होती है उसको जानना बहुत जरूरी है, और बहुत सारे इसके डायमेंशन हैं जिसको हमारे श्रोताओं को जानना चाहिए, और जानकारी होगी तो इस पे कुछ कार्य हो सकता है। बात हुई अभी आर्थिक पक्ष की, तो सर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं आपको नजर आती है? जी, अभी देखिए जो विश्व का जो अभी अर्थव्यवस्था का जो माहौल है वो तो सबको मालूम है, अगर हमें तो अपनी तरफ से आशा हमेशा रखना चाहिए, और कई तरह के काम हो रहे हैं, मुझे लगता है ये डेफिनेटली मतलब एक अच्छे दिशा की तरफ बढ़ेगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अभी आ गई हैं, और टेक्नोलॉजीज की वजह से देखिए एक कई बार क्या होता है, एक हम एक परिस्थिति में पहुंचते हैं जहां पे हर एक चीज को बैलेंस करना जरूरी होता है। खाली अर्थव्यवस्था को ही लेके हम चलें तो वो शायद ठीक नहीं होगा, पर्यावरण पे उसका क्या परिणाम होता है, या सिक्योरिटी जो हम कहते हैं उस पे क्या परिणाम है, वो सारी चीजें रहती हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो अभी जो प्रोग्रेस है, मुझे लगता है इससे हम बहुत सारी चीजों को अच्छा करने में कामयाब रहेंगे। सर, समुद्र में जो है आर्थिक और सांस्कृतिक के सुरक्षात्मक विस्तार कितना है, और इस पे हमारा देश जो है वो कहाँ खड़ा है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है कि देखिए जो हमारा इंडियन ओशन रीजन जो कहते हैं जी, तो उसमें मतलब पहले ज्यादा फोकस नहीं था, बट अभी 21वीं सदी में मुझे लगता है बहुत ज्यादा फोकस है, हमारे सरकार की तरफ से भी बहुत फोकस है, और ये मुझे कहना चाहिए कि उसमें बहुत पोटेंशियल है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें वो है कि हम इसमें आगे कर सकते हैं। अभी ब्लू इकोनॉमी पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अभी जो हम अंडर वाटर के ऊपर मेरा काम है, मैरिटाइम रिसर्च सेंटर अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस पे फोकस करता है, तो अभी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब पानी के नीचे अभी फिशिंग के ऊपर भी बहुत सारा रिसोर्स है, और उससे काफी पोटेंशियल है कि इसको इकोनॉमी में ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। और इसके अलावा जो बाकी जो पॉलीमेटालिक मेड्यूल्स हैं, बहुत सारे रेयर अर्थ मेटीरियल मेटिस हैं, वो भी बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, और उसको कैसे हम एक्सप्लॉइट या एक्सप्लोर कर सकते हैं उस पर अभी सरकार का भी बहुत ध्यान है, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से भी बहुत कुछ काम हो रहा है और होने की संभावना है। मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारी यंग युवा पीढ़ी है वो इस डायरेक्शन में देखे और इस डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल। जी, हमने युवा पीढ़ी का सर आपने नाम लिया है, तो समुद्र में युवाओं के लिए किस तरह की रोजगार की संभावनाएं जो बनती है? देखिए, रोजगार की तो बहुत ज्यादा संभावना है अभी, और देखिए हर एक जो हमारी युवा पीढ़ी को हमेशा एक सनराइज सेक्टर की तरफ देखना चाहिए। मैं ये मैं मानता हूं कि काफी मतलब स्वतंत्रता के बाद बहुत ज्यादा काम इस दिशा में नहीं हुआ था, बट अभी 21वीं सदी में बहुत फोकस है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और बाकी तो अभी देखिए मैं इसको चार कैटेगरी में अगर इसको डिवाइड करूं, एक तो है कि सिक्योरिटी, अभी सिक्योरिटी को लेके भी देखिए काफी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उस पर काफी फोकस है, तो उसकी वजह से बहुत अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होते हैं, जैसे जो भी चैलेंज है उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी जुड़ा होता है। दूसरा है हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी में भी अभी काफी जैसे शिपिंग में बहुत अभी काम हो रहा है और आगे भी होगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें काफी इन्वेस्टमेंट है, एक फादर विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब इसका जो फादर विजन जो है इसमें चार पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण जुड़े हुए हैं। एक तो है कि सिक्योरिटी की जरूरत है, और सिक्योरिटी तो मतलब प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये रिकग्निशन है कि सिक्योरिटी को हमें फोकस करना चाहिए, तो जब प्रधानमंत्री की तरफ से फोकस आता है तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हैं। दूसरा ग्रोथ
या उन्होंने बोला सिक्योरिटी इन ग्रोथ, जो दूसरा टर्म है ग्रोथ, तो ग्रोथ में भी बहुत उनकी तरफ से फोकस है और बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगे। और ये मतलब इसमें हम स्टेक होल्डर की अगर बात करें, ऑयल एंड गैस सेक्टर है बहुत बड़ा, अंडर दी डीप सी माइनिंग है, फिशिंग में भी अब बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। एनवायरमेंट, अभी जब इतना उसमें एक्टिविटीज होगा तो एक एनवायरमेंटल कंसर्न भी बहुत बड़ा हो जाता है, उससे बहुत अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। आप कई तरह से उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप रेगुलेटर्स की तरफ से काम कर सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें अभी आ रही हैं, तो एनवायरमेंट, फिर एनजीओ स्पेस है, उसमें भी बहुत लोग काम कर रहे हैं और कर सकते हैं। चौथा जो और एक और एनवायरमेंट के साथ बहुत बड़ा चीज जुड़ा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिजास्टर अभी समुद्र की तरफ से हो रहा है, तो वहां उसमें भी फोकस करने की जरूरत है। ये नहीं कि हम किसी नेचुरल डिजास्टर को रोक सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम से हम उसमें जो उसका डैमेज है उसको बहुत कम कर सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं। एक चौथा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमेशा रहेगा, और अगर हम अच्छे लेवल पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर सकें तो हम बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, तो इसमें भी बहुत पोटेंशियल है और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि हमारी युवा पीढ़ी इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा फोकस है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब जो हमारे नदियों में अभी ये जो यातायात की एक नई जो प्रोजेक्ट है जिसको हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, उस पर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, इसमें बहुत फंड एलोकेशन है, तो इसमें बहुत एक पोटेंशियल है और हमारी युवा पीढ़ी उसकी तरफ देखें। मतलब अभी आप उदयपुर से बात कर रहे हैं तो हिंटरलैंड में भी बहुत अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि आप समुद्र के किनारे हो तभी आप इस पे वो कर सकते हैं। तो अभी 116 नेशनल वाटरवे के ऊपर काम हो रहा है, गंगा में वाराणसी से हल्दिया के लिए ऑलरेडी नेशनल वाटरवे नंबर 1 पे काम काफी आगे बढ़ चुका है, नंबर 2 जो है नेशनल वाटरवे नंबर 2 ब्रह्मपुत्र में उसमें अभी काम शुरू हो गया है, और आप सोचिए 100 से ज्यादा वाटरवे बनने वाले हैं, तो इसमें कितनी चीजें आएंगी और इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत मतलब फोकस है इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, और इससे बहुत बाकी फायदे होंगे, मतलब डेवलपमेंट जो होगा वो है। बट इसमें देखिए, आप सड़क से जब जो ट्रैफिक हट जाएगा और नदियों में आ जाएगा, इंडियन वाटर में वाटरवेज में आ जाएगा, तो सड़कें भी काफी खाली हो जाएंगी, और दूसरा इसमें कार्बन फुटप्रिंट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसे बहुत ही मतलब बड़ा विजन है गवर्नमेंट की तरफ से, और आई थिंक अभी जो मैं पीछे 10 साल में देखा हूँ बहुत ज्यादा इसमें फोकस है और बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। ये बात हुई आर्थिक पक्ष और जो है समुद्र के विकास की या यातायात के विकास की। सर, एक बात है कि इंडिया की समुद्री सेना वर्ल्ड में अव्वल जो है मानी जाती है, लेकिन अभी गश्ती को लेकर कई चुनौतियां हमारे सामने है, तो इसके लिए हम कितने आधुनिक हुए हैं सर? नहीं, इसमें देखिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, काफी काम हुआ है और बहुत काम होने की जरूरत है। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है वहां पे जो मतलब अंडर वाटर टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ज्यादा यूनिक है, और जो हम बाहर से जब टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट करते हैं वो बहुत मतलब उसमें बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो हमारा अभी होम ग्रोन जो टेक्नोलॉजी है या जिसे हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी कहते हैं उस पर काम करने की जरूरत है, बहुत फोकस है, हमारा संस्थान भी इसमें काम कर रहा है, हम भी जुड़े हुए हैं भारतीय नौसेना के साथ और कई और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और काफी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के भी ने काम कर रहे हैं। तो अभी देखिए इसमें बहुत रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जो हमारे समुद्र में जो रिसर्च जो होता है उसमें बहुत रिसोर्सेज की जरूरत है, तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी जब फोकस है तो बहुत आगे अच्छा काम होगा मुझे उम्मीद। COVID-19 की जब बात आती है तो इसका मैरिटाइम इंडस्ट्री पर कोई फर्क आया है? देखिए कोविड का तो पूरे विश्व में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है और उसका असर तो हर सेक्टर में है, मैरिटाइम में भी है। अभी देखिए ऑलरेडी जो शिपिंग इंडस्ट्री था वो थोड़ा सा डाउनसाइड था, कोविड से पहले भी था, कोविड से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है उसमें। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आगे चल के बिकॉज अभी देर ऐसा हमें उम्मीद है कि एक बाउंस बैक होगा, मतलब भारत में भी देखिए भारत की लीडरशिप को बहुत सराहा गया है मतलब विश्व में, और इसमें देखिए कोई भी क्राइसिस में लीडरशिप के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, लीडरशिप इसको कैसे आगे बढ़ाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और दूसरा है कि हमारे जो
इंडियन सिटीजनशिप है, मतलब जो हमारी, और पर्टिकुलरली मैं युवा पीढ़ी की बात करूंगा, कैपेबिलिटी बहुत है, उसको खाली चैनलाइज करने की जरूरत है। और अगर वो भी आगे बढ़ के आए, मतलब मुझे तो ऐसा, मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा, एग्रेसिवली उनको आगे बढ़ के आना है। देखिए जो भी एक चैलेंज आता है उसमें अगर आप उभर के आना है तो हमें बहुत एग्रेसिवली उस पर काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि अभी हम भारत देश को देखें तो बहुत इंग्रेडिएंट सारे ठीक हैं, फिर उनको कैसे हम मतलब एक अच्छे ढांचे में डाल के आगे बढ़ाएं, वो अभी आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से उस पर काफी मतलब काम है। और मैंने जैसे आपको बोला 21वीं सदी में अभी मैरिटाइम सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस भी है गवर्नमेंट का, बड़े बड़े विजन अनाउंस हुए हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, और प्रोजेक्ट्स की मतलब जो मॉनिटरिंग है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी हो रही है। मुझे बहुत उम्मीद है कि इसमें आगे बढ़ने की मतलब संभावना है। सर चलते चलते एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा कि प्रदूषण की जब हम बात करते हैं तो ये समस्या समुद्र को भी झेलनी पड़ रही है, तो सर ये प्रदूषण की किस तरह की समस्या समुद्र झेल रहा है? देखिए एक तो बाकी जो हम एक मारपोल कन्वेंशन है जिसमें हम पोल्यूशन की बात करते हैं, जो टॉक्सिक वेस्ट हैं और बाकी चीजों की बात बहुत होती है, बट अभी जो नई चीज की बात जो हो रही है उसको हम कहते हैं अकूस्टिक पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण। जो भी इतने एक्टिविटीज पानी में, ध्वनि का एक बहुत महत्वपूर्ण वो है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो अभी हम ऊपर मोबाइल की बात करते हैं जमीन पे, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलता है, बट पानी के नीचे ये काम नहीं आता है, तो उसमें ध्वनि के माध्यम से ही सारा कम्युनिकेशन या जो भी सिग्नल प्रोसेसिंग होता है, तो उसमें ध्वनि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो बट अभी क्या होता है कि और जो समुद्र के वेल्स और जो बाकी जो जीव हैं वो भी इसको यूज करते हैं, तो इसकी वजह से जो मतलब मनुष्य के एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो हम मैरिटाइम रिसर्च सेंटर में भी इस पे बहुत काम कर रहे हैं, मेरे एक किताब भी मैंने लिखी है इस विषय पे, मगर अभी विश्व में इसकी जानकारी बहुत बढ़ गई है और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें रेगुलेशन भी आने वाले हैं, और हमें देश में भी इसमें जागरूक होना जरूरी है। तो डीजी शिपिंग की तरफ से भी इस पे थोड़ा अभी फोकस आया है, हमारी साथ उनसे बातचीत हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि इस पे फोकस देश में और ज्यादा बढ़ेगा। सर आप हमसे जुड़े और इतनी अच्छी जानकारियां हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।